कोऑपरेटिव सोसाइटीज पहली बात तो सारी डिफंक्ट नहीं है, कुछ हालातों की वजह से पोजीशन डाउन हो गई थी, तो बैंक्स को जो है स्ट्रेंथन किया जा रहा है, उनको रिकैपिटलाइज किया जा रहा है। सारे कोऑपरेटिव बैंक CBS प्लेटफॉर्म पे हैं, RBI नॉर्म कंप्लायंट हैं एज फार एज IT इज कंसर्न, एक्सेप्ट फॉर वन बैंक, और उसको भी बहुत जल्द हम CBS पे ला रहे हैं। मुजफ्फर सुल्तान, DCC बैंक को बुलाना चाहूंगी कि वो आए और अपने ख्यालात वाजा करें। Pleasure to have acknowledged the first installment of the capital infusion for ACC Bank, Central Cooperative Bank Anantnag, Baramulla Central Cooperative Bank and Jammu Central Cooperative Bank to the extent of 50 crores out of the sanction amount of rupees 367 crores. The infusion will surely satisfy the interest of almost 12 lakhs of stakeholders connected economically, directly or otherwise with these banks. Once the bank gets completely infused with the capital and the license of the RBI being mandate is issued, the whole sector will definitely witness enormous growth in both the business and the value-added services as well. District Central Cooperative Bank's triggering 2,700 crores will be exhibiting more than 40% increase per year. The more important impact of the infusion shall be on profitability of these banks that presently are incurring operating losses of 42 crores per year at an average, giving an add to the accumulated losses reported on March 2021 to the tune of 500 crores. The operating profit that is expected from all district central cooperative banks by March 2023 will help clear the accumulated losses within a period of 10 years. Ma'am, with the increase in the own funds by rupees 560 crores, the banks would be able to diversify their investments in government-owned undertakings like JKIDFC, HoldCo, and start to contribute in the economy of UP, and also to have better returns for the sustainability of the long-term business of the banks. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अब पॉलिसी फॉर्मुलेशन और नई स्कीम्स पे काम हो रहा है सहकारिता के क्षेत्र में, जो बहुत जल्द इंट्रोड्यूस की जाएंगी, कुछ की भी गई हैं। तो एक विजन डॉक्यूमेंट जो है वो ऑल इंडिया लेवल पे बनाया जा रहा है कोऑपरेटिव्स के डेवलपमेंट को लेके, कि हम अपने विजन में क्या विजुलाइज़ करते हैं कोऑपरेटिव्स का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, और उसी विजन को मटीरियलाइज करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट 2047 को हमने क्रिएट करना है, जिसके लिए भारत सरकार ने सभी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट गवर्नमेंट से इनपुट्स मांगे हैं, जो उस पॉलिसी, उस स्कीम और उस विजन डॉक्यूमेंट में इनकॉर्पोरेट किए जाएं। इसके अलावा जो नेशनल लेवल पे जो कोऑपरेटिव्स की ट्रेनिंग और एजुकेशन की जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो भी तैयार किया जा रहा है, उसके लिए भी स्टेट गवर्नमेंट्स और UT से इनपुट मांगे गए हैं। हमने आज यहाँ पे सारे ही जो कोऑपरेटिव्स के, सारे तो नहीं आ सकते बट बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया है, कुछ ऑफिसर्स ने भी हमें ज्वाइन किया, कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लोग आए, कुछ हमारी सोसाइटीज़ के लोग आए, जो अपने अपने इनपुट्स हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, अपने आइडिया शेयर कर रहे हैं, विच विल देन बी कंपाइल्ड। ये जो एक एक्सचेंज ऑफ नॉलेज होगा, एक एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होगा, इसकी सारी की एक कंपाइल्ड रिपोर्ट हम भारत सरकार को भेजेंगे, और अगर उनको हमारी UT के कुछ सजेशंस पसंद आए तो आपके विजन डॉक्यूमेंट में वो चीज़ें जो हैं वो इनकॉर्पोरेट की जाएंगी। उसी के लिए आज का सेमिनार हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। हाँ, कर रही है। कब तक तो कहना मुश्किल होता है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पहली बात तो सारी डिफंक्ट नहीं है, बहुत तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं। आप शायद फाइनेंस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारे बैंक्स की, क्योंकि बीच में कुछ हालातों की वजह से पोजीशन डाउन हो गई थी, जिसकी वजह से जो इफ़ेक्ट है वो पैक्स पे आया, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ पे, तो बैंक्स को जो है स्ट्रेंथन किया जा रहा है, उनको रिकैपिटलाइज किया जा रहा है, ताकि बैंक्स जैसे ही इम्प्रूव करेंगे तो नेचुरल है कि नीचे जो कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर है वो भी धीरे धीरे ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा। सो बैंक्स की जैसे पोजीशन इम्प्रूव होगी, ऑटोमेटिकली हमारे पैक्स रिवाइव होने शुरू हो जाएंगे। वो अपने अपने एरिया तक महदूद हैं, उसमें कोई मतलब बदलाव नहीं हो रहा है काफी देर से, काफी टाइम से होगा बदलाव होगा। आप देख चुके हैं कि बाकी बैंक जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी लेके चल रहे हैं, मगर कोऑपरेटिव बैंक जो है वो अपने पुराने सिस्टम से लेके चल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सारे कोऑपरेटिव बैंक CBS प्लेटफॉर्म पे हैं, RBI नॉर्म कंप्लायंट हैं एज फार एज IT इज कंसर्न, एक्सेप्ट फॉर वन बैंक, और उसको भी बहुत जल्द हम CBS पे ला रहे हैं। बिल्कुल नहीं, IT टेक्नोलॉजी में सारे बैंक अप टू डेट हैं।
प्रोग्राम है उसमें इनबिल्ट ये है, पंचसूत्रा कहते हैं हम उसको, जिसमें हम उनकी ट्रेनिंग्स भी कराते हैं, हम उनकी वीकली मीटिंग्स, मंथली मीटिंग्स कराते हैं, और एक तरीके से हम ये बता, बेसिक इसका जो फाउंडेशन है वो इस प्रिंसिपल पे है कि महिलाओं के जो ग्रुप्स होंगे वो आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे। अगर वो लोन ले रही हैं और एक बहुत आसान दर पे उनको लोन मिल रहा है 7% पे, और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर 4% पे हम लोन दे रहे हैं, तो एक आसान दरों पे हम लोन दे रहे हैं, और बाद में बैंक लिंकेज में भी उनकी हेल्प करा रहे हैं। हमारे बैंक मित्रास हैं, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, जो उनको बैंक के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है वो भी सिखा रहे हैं। तो वो स्किल डेवलपमेंट तो हमारी चलती है, लेकिन एडिशन जो हम कोऑपरेटिव्स के साथ चाहते हैं कि हमारा जो क्लस्टर्स हैं या जो वीओज हैं वो एक लीगल बॉडी भी बने, ताकि उनको और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिजनेस मॉडल्स बना के दिए जा सके, तो उसमें ये नेक्स्ट कदम है।